हेलो एवरीवन, तो फिजिक्स क्लास में फिर से स्वागत है आपका। पिछली क्लास में जो बात हुई थी, स्फेरिकल मिरर पे बात हुई थी, उसके केवल हमने क्या किया था, शायद रेडियस और फोकल लेंथ जो होती है उसमें रिलेशन बनाया था। तो आगे फिर से स्टार्ट करते हैं उसी में, क्योंकि मिरर्स बहुत, ये चैप्टर जो है ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो लगभग कितने लेक्चर बन जाए पता नहीं, तो उसके लिए कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बना लीजिए इसी से, क्योंकि वो बहुत ही काम आएंगे आपके, क्योंकि क्लास में हर चीज़ बता पाना बहुत मुश्किल होगा फिर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, उसका रिलेशन क्या आया था, आर इक्वल टू 2f। इसके अलावा भी एक रिलेशन बना था जो हम लोग चेक कर लेते थे कि अगर रे जो गिरती हैं वो अगर पैरेक्सियल नहीं है, ठीक, तो उस केस में कंडीशन चेंज होती थी, ठीक। तो वो सब चीज़ें जो हैं, पैरेक्सियल अगर रे नहीं होगी तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेटा देख लेते हैं उसका, और डेटा से ही पता चल जाता है कि हाँ पैरेक्सियल है या रे कुछ और बना रही है एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट में जैसे अगर इस पर एक और क्वेश्चन आता है आगे चल करके, ये जो फार्मूला बताने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, जब इसमें पहुँचोगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो बहुत दूर तारा हो कोई, ठीक, अपना ही सूर्य है, तो सूर्य से जब किरणें आती हैं किसी मिरर पर पड़ी, ठीक, प्लेन मिरर पर पड़ी या कॉन्वेक्स पर पड़ी या कॉनकेव पर पड़ी, समतल पर, मतलब कहने का है समतल पर पड़ी या अवतल पर पड़ी, उत्तल दर्पण पर पड़ी, तो उनकी इमेज की कितनी बड़ी इमेज की हाइट बनेगी, लेंथ ऑफ इमेज कैसे आप निकालेंगे, ठीक। तो इनको सॉल्व करने के लिए देखो एक कंडीशन है, उसको पहले चेक कर लेते हैं, ठीक। पहली बात तो ये, किसी भी दूर स्टार से अगर रे आ रही हैं तो रे जब एक आई, जैसे ये चाहे जितनी भी रे आए वो पृथ्वी तक आते आते क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। किसी भी अगर दूर कोई स्टार है, तारा है, वहाँ से जब किरणें आती हैं वो कहाँ पड़ती हैं, पृथ्वी पर, तो किरणें पृथ्वी के निकट क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर मानी जाती हैं, समांतर हो ही जाती हैं, ठीक, क्योंकि बहुत दूर तारा है, उसका जो लंबन कोण बनता है ना बहुत छोटा बनने लगता है इसलिए। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से अगर ये एक दूसरे के पैरेलल बनी तो जब किसी मिरर पर गिराएंगे तो क्या कंडीशन होगी, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब इस पर अगर रे गिरी ऐसे, तो दूर से अगर आएंगी तो फिर वो कुछ ऐसे गिरेंगी आकर के, मान लो एक रे ऐसे गिरी, दूसरी ऐसे गिरी, अब ये रे कैसे, पहली बात तो इसका पोल बना दीजिए, सेंटर बनाइए, फोकल लेंथ बना लीजिए, सिर्फ फोकस को शो कर दीजिए। जो किरणें गिरी हैं ये किरणें कैसी हैं, पहली बात कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा होता तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस जो है मुख्य अक्ष इसके समांतर आती, समांतर तो है नहीं मुख्य अक्ष के, तो ये पहचान क्या, इससे हम ये पहचानेंगे कि ये किरणें बहुत दूर किसी स्टार से आ रही हैं, ठीक। अब ये किरणें गिरी तो इन किरणों की पहचान देखो क्या क्या तुमको सीखना है इसमें है। पहली बात तो ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हैं। स्टार को अगर आप पृथ्वी से देखो तो स्टार का जो साइज है बहुत छोटा नज़र आता है, अगर छोटा नज़र आएगा तो यहाँ पर अपनी आँख पर स्टार कोण कितना बनेगा, तो कोण भी बहुत छोटा बनाएगा। कोण अगर छोटा बना तो उस केस में हम किरणों को पैरेक्सियल मान लेंगे, ठीक, कैसे मानेंगे, पैरेक्सियल, एंगल छोटा इसलिए, तो एंगल बना पैरेक्सियल। लेकिन एक केस क्यों यहाँ चेंज हुआ है कि किरणें प्रिंसिपल एक्सिस जो है मुख्य अक्ष इसके समांतर नहीं है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस केस में इमेज की जो हाइट आपको निकालनी होगी तो सबसे पहला काम ये होता है कि जहाँ पर आप फोकस बनाओ वहाँ पर एक तल मान लेना, आप इमेजिन करके इसे तल मान लें यहाँ पर इस तरीके से, मान लो ये फोकल प्लेन हो गया। अब जो रे पड़ी वो ऐसे वापस हुई, ऐसे ये वाली रे भी ऐसे वापस हुई इस तरीके से ऐसे गई, जहाँ पर क्रॉस करें, क्रॉस कहाँ करेंगे, फोकल प्लेन पर ही क्रॉस कराना है,
यहीं पर ही क्रॉस करेंगी वो, क्यों? क्योंकि स्रोत कहाँ है? अनंत पर। और जब अनंत पर स्रोत होता है तो कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है, ठीक। तो ये इमेज बनी। अब इमेज की जो हाइट है ये, इसको हमने मान लिया कितनी हो गई h, और यहाँ पोल से इमेज का जो डिस्टेंस बनी फोकस से वो कितनी हो गई, उसको f से आप लिखेंगे। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना बना थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब हो गया h, आधार कितना हो गया f। किरणें कैसी हैं? तो किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के समांतर हैं, बट पैरेक्सियल हैं। अगर पैरेक्सियल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा। तो यहाँ पर क्या बन गए, थीटा इज इक्वल टू एच बाई एफ, मतलब एच इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इंटू एफ। बट थीटा की जो वैल्यू रखोगे आप रेडियन में रखोगे, मान लो कह दिया जब 1 डिग्री थीटा, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो 1 × π/180 आपको करना पड़ेगा, ठीक। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, ठीक। तो ये फार्मूला h क्या है, यहाँ पर h है इमेज की हाइट है, ठीक, लेंथ ऑफ इमेज है यहाँ पर। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। थीटा, थीटा इंसिडेंट रे, आप इंसिडेंट एंगल समझ लीजिए या रिफ्लेक्टेड एंगल समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसको किस में फाइंड करना है, यहाँ पर रेडियन में ही आपको वैल्यू यहाँ इसमें रखनी पड़ेगी, ठीक। उसको इस तरीके से चेंज करके ही रखना। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आया। एक मान लो इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा समझिए, केवल एक क्वेश्चन, एक कॉनकेव मिरर, इस पर इसकी फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। माइनस प्लस से भी कोई मतलब आपका नहीं है, ठीक, वो बाद में सिखाते हैं। उसमें फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अरे ऐसे ही नहीं, इस पर आके एक ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से इस तरीके से, ऐसे ये भी ऐसे वापस हुई ऐसे। मान लो फोकल प्लेन यहाँ बना, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बनी, अगर एंगल जो बना यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम कह दें 1.5 डिग्री है, तो 1.5 डिग्री अगर यहाँ पर एंगल बना, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बनी, तो h इज इक्वल टू थीटा इन टू एफ, थीटा की वैल्यू 1.5 π/180 इन टू 10 किस में आ गया, सेंटीमीटर में। पाई की वैल्यू 3.14 आप रख लेना, ठीक। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उस पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन, दो से ज़्यादा भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि वो चीज़ हमको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो ऐसे केसेस में, अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रही होगी, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ये इमेज बनी तो इमेज की हाइट हो गई, ठीक। तो ये हमको यहाँ से निकालनी थी। ऐसे क्वेश्चन आपको टेलीस्कोप वगैरह में मिलेंगे वहाँ पर, ठीक। तो फिलहाल पूछ लिए जाते हैं इसमें भी, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, अब इसका देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसकी, जो हाई स्कूल वगैरह में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, ट्वेल्थ में तो इतना ज़्यादा नहीं है। क्या फार्मूला है, तो मिरर फार्मूला पहले देखते हैं। देखिए मिरर फार्मूला क्या है, एक कॉनकेव मिरर मान लीजिए। देखो बुक्स में ऑब्जेक्ट को मतलब मेन प्रिंसिपल एक्सिस पे से मतलब पुल से परपेंडिकुलर खड़ा करके दिखाया जाता है, ठीक। वो चाहे जैसा हो, हम पॉइंट सोर्स मान के काम करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, ऐसे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मान लीजिए ये कर्वेचर आप सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रखी गई, ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी रे यहाँ से चली और इस मिरर पे पड़ी ऐसे, तो जब ये कौन सी रे बनी, ये इंसिडेंट रे कहलाई, आपतित किरण। नॉर्मल कैसे डालते, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से मिरर पे डालेंगे ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। तो जब रे किस पर पड़ती है, मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस हुई, तो वापस कैसे हुई, तो ऐसे वापस हो गई। तो ये इंसिडेंट रे और ये कौन सी बनी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक। कुछ बातें और यहाँ पर देख चेक कर लेते हैं। जैसे अगर ये मान लो
इसको मान लो m और यहाँ से एक नॉर्मल डाल देते हैं इस पर ऐसे, इसको मान लिया कितना हो गया n, एम एन क्या है नॉर्मल है इस पर, ठीक। चाहो तो हाइट इसकी लिख लो, हाइट कितनी हमने मान ली थी कि h हो गई हाइट। ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको u से लिखा जाता है, यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है ये क्या कहलाई, तो ये कहलाई r, कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रे यहाँ से निकल गई है ऐसे, ये डिस्टेंस क्योंकि इमेज यहीं बनी, यही तो आई बना, तो इमेज की जो डिस्टेंस बनी पोल से उसको किससे लिखेंगे, v से। ये v हो गया, फोकस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको पता है f इज इक्वल टू r बाई टू होगा, तो जो भी हम फार्मूला बनाएंगे r की जगह पर f बाई टू कर देना, ठीक, सॉरी r की जगह पर 2f कर देना, अपने आप फार्मूला बन जाएगा, ठीक। अब रे गिरी अगर तो ये एंगल कितना, तो ये तो हो गया थीटा, तो ये भी कितना हो गया अगेन थीटा। प्रूफ कैसे करें, प्रूफिंग के कई फॉर्म कई तरीके हैं, ठीक। एक तो वो है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, यहाँ पर इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को खड़ी कर देते हैं, उसके बाद रे गिराते हैं, रे गिराने के बाद डायग्राम बना करके, वैसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लीजिए। अब आप ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं, ठीक, तो उन चीज़ों को भूल जाए, उस तरीके वो मेथड वो भी एक है, ये भी ऐसे ऐसे भी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहली बात आप ये एंगल कितना मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा और ये बन गया गामा। बट अल्फ़ा बीटा गामा, अब एक चीज़ और यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए क्या चीज़ है वो। पहली बात, जो भी रे यहाँ गिरी हैं वो रे हम कैसे मान रहे, पैरेक्सियल मान के काम करेंगे। अगर पैरेक्सियल हैं थीटा छोटा, अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊँगा, इसे मान लो ऊपर बढ़ाता चला जाऊँ, तो जितने ऊपर बढ़ाऊँगा तो ये C और O, ऊपर बढ़ाने का मतलब ये बढ़ा तो एंगल बढ़ा तो रे कौन से कहलाई, मार्जिनल रे कहलाई। तो यहाँ पर हम पैरेक्सियल रे मान के काम कर रहे हैं। पैरेक्सियल का मतलब जो M पॉइंट है, ये M पॉइंट H हाइट का मतलब बहुत कम, ये M पॉइंट कहाँ है, यहाँ पास में इसके बिल्कुल। पैरेक्सियल का मतलब आप ये मानेंगे थीटा बहुत छोटा, और बहुत छोटा होने का मतलब M पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। अगर M पॉइंट यहाँ आ गया तो NP जो है, यहाँ पर लिखा है NP जो है ख़त्म, NP का मतलब बिल्कुल नगण्य, जीरो, तो इसको भी कहाँ मान लो, बिल्कुल P पर। N जो है पॉइंट कहाँ पड़ा, P पर। इसी को किताबों में लिखा होता है वक्रता कम होने के कारण, ठीक। तो वक्रता कम होने का मतलब आप रे कैसी मान रहे हैं, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रे में थीटा बना छोटा, थीटा छोटा बना मतलब M पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल नियर अबाउट P के। अगर नियर अबाउट P के बना तो N पॉइंट जो कहाँ पड़ा, तो N पॉइंट कहाँ, P के पास आ गया यहाँ पर, ठीक। तो अगर यम पॉइंट नीचे आ गया तो अल्फा बीटा गामा भी क्या हो गया, तो अल्फा बीटा गामा भी स्मॉलेस्ट, बहुत कम वैल्यू बनी। तो इनको अगर हम, इनको हम चाहें तो त्रिकोणमितीय फलन ले सकते हैं, चाहें तो इनको हम हटा भी सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एक बार ट्रायंगल लो, ओ एम, ये वाला इतना ओ एम सी, इसमें प्रमेय लगाइए अंदर त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के अंदर कोणों का योग बराबर बहिष्ठ कोण। तो यहाँ अंदर कोण कितना है अल्फा, यहाँ सामने कितना है थीटा, बहिष्कोण इसका कितना बन गया बीटा, इक्वेशन हो गई। अगला ट्रायंगल सी एम आई, इसमें भीतर भीतर कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, तो बाह्य कोण यहाँ पर कितना है बीटा प्लस थीटा बराबर गामा, इक्वेशन टू। अगर हम दो में से एक घटाएं, इस घटाएं थीटा हटा लीजिए, तो दो से अगर एक को घटाओ तो देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बीटा माइनस अल्फा, घटा रहे हैं यहाँ पर, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। बीटा को इधर लाओ तो कितने बन गए टू बीटा, अल्फा इधर आ गया तो बन गया गामा प्लस अल्फा। बोले यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, बहुत स्मॉल कोण, बहुत स्मॉलेस्ट कोण एंगल बने यहाँ पर, तो अल्फा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू हम टैन अल्फा भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल लिख लेना अपने हिसाब से बाद में कॉपी में। अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा, अल्फा कितना बना, तो अल्फा का मतलब टैन ले लो, तो परपेंडिकुलर कितना बना एच, और एन पी जो है बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि बहुत पैरेक्सियल रे हैं, तो एन पी हटा के कितना है पी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ओ पी, ओ पी कितनी यू, तो माइनस यू। बीटा कितना आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा कितना बना है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया एम एन, एम एन कितना एच, बट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई आर,
तो माइनस आर, क्योंकि उधर है तो सब माइनस में। फिर गामा ले लीजिए, तो गामा इज इक्वल टू टेन गामा, टेन गामा कितना, तो परपेंडिकुलर एच, ये कितना हो गया तो इमेज माइनस वी। अगर ये वैल्यू इसमें हम रख दें तो बीटा की जगह पर टू माइनस एच बाई आर, गामा की जगह पर माइनस एच बाई वी, माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एच बाई यू, एच एच कामन, माइनस भी ख़त्म, टू बाई आर इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। हमको ये पता है कि आर इज इक्वल टू टू एफ होता है, तो इसकी जगह पर अगर हम लिख दें टू एफ, तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू, टू टू कैंसिल, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। तो ये मेरा फार्मूला बन गया यहाँ से, ठीक। बहुत लंबा डेरिवेशन उस बुक्स में है, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि मैथ्स की टर्म में कोई दिक्कत नहीं, इसमें आने वाली नहीं है। ये फार्मूला निकल के आया, वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। तो ये तो फार्मूला हो गया। फार्मूला देखो, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में बनता है, मतलब अवतल दर्पण का तो बना ही है, उत्तल दर्पण में भी यही बनेगा, लेंस में भी यही बनेगा, बट अंतर लेंस में क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा। हमको ये करना है यहाँ पर, क्योंकि हर मिरर का डेरिवेशन नहीं करना है, एक में बना लिया, अब आगे चाहे जो चाहे कोई भी मिरर पूछ लिया जाए, न्यूमेरिकल हमको इसमें न्यूमेरिकल लगाने हैं ना, तो न्यूमेरिकल लगाने में ये ध्यान रखना है, इस फार्मूले का उपयोग हम कोई भी मिरर पूछा जाए सब में यूज कर लें, वो चाहे मिरर हो और चाहे लेंस हो, हम लेंस में भी इसका उपयोग कर लेंगे, चिन्ह बदल लेना, बाकी ऐसा ही। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि हमारे न्यूमेरिकल किसी भी मिरर या किसी लेंस के हों, अभी तो मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर में तो यूज़ करना ही है, चाहे जो भी हो, इसी फार्मूले का सब में उपयोग हम कर लें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लें ताकि हमारे सारे न्यूमेरिकल इससे लगते चले जाएं। जब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में केवल साइन बीच का चेंज होगा, बाकी वही मैथड उसमें भी लगाते चले जाएंगे, ठीक। तो ये तो बना फार्मूला, अब क्या करते हैं इस पर वेस्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कैसे हमको न्यूमेरिकल लगाने इस पर। न्यूमेरिकल में सबसे पहला पॉइंट ये होगा v u f, तीनों जो राशियां दी गई इनको आपको चिन्ह के साथ रखना है, किसके साथ, चिन्ह के साथ, ठीक, ये हम नहीं भूलना है बिल्कुल। इस मिरर के जो फार्मूला बन गया था, इस फार्मूले में तीनों राशियां किसके साथ, चिन्ह के साथ मुझे रखनी है उसमें। अब दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है इसका बना, तो साइन कन्वेंशन में दो पॉइंट आते हैं, पहली बात तो इनको क्या करना है मुझे, चिन्ह के साथ उसमें रखना। अब साइन कन्वेंशन जो बना वो दो टाइप से बना, पहला कौन सा है, तो पहला पॉइंट ये है, सबसे पहले हमको पोल को फिक्स कर देना है, ध्रुव को निर्धारित करना, ठीक। सबसे पहले किसको निर्धारित करेंगे, ध्रुव को, ध्रुव कहां पर, जैसे ऐसे देखिए, ये मिरर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्रुव कहाँ बना, तो तुरंत वहाँ पर अक्ष बना दीजिए, जहाँ से अक्ष टच करते हुए निकले वही क्या कहलाया, पोल, चाहे ऐसा मिरर हो। तो इसको टच करते हुए ऐसे, ये पॉइंट क्या कहलाया, यही पोल कहलाया। तो सबसे पहला पॉइंट का ध्रुव को निर्धारित करना। अब निर्धारित करने के बाद, पोल को निर्धारित करने के बाद क्या करते हैं, जिधर से किरण चले मिरर पर पड़े, मतलब जिधर को किरण जाए उधर को प्लस ले लेता है, किरण जैसे ऐसे, इसका भी एग्जांपल समझिए, मान लो हमने कहा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी, तो रे ऐसे पड़ेगी इस पर आके,
अगर रे से पड़ी तो रे का मतलब जाने का डायरेक्शन क्या है, तो ये है, तो इधर जाएगी तो इस तरफ जाएगी तो प्लस में यू लेना है, तो उधर वाला माइनस में यू लेना है। मतलब यही मत समझिए, देखो हाई स्कूल में सिखाया जाए बस ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही चित्र बनाया जाता है, क्या कौन क्यों मिरर ऐसे नहीं हो सकता, लो ऐसे भी तो रख सकते हैं। अब ऐसे अगर रख सकते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो रे ऐसे पड़ी, तो ऐसे पड़ी तो ये तो ऐसे जाएगी, तो ये डायरेक्शन जो बनी वो प्लस यू, तो इधर जो होगी वो कैसी लेना है माइनस की, बाकी आप भूल जाइए सब कुछ। मतलब इधर की यू की ही बात नहीं हो रही है, इधर जो भी राशियाँ होंगी वो सभी माइनस की लेनी है आपको। जिधर किरण जाए उस डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ आ रही तो सब प्लस में, बाकी उसके बैक साइड में सब माइनस में ले लेना है बस। ये केवल एक ही तरीका है बस, इससे समझिए, इसके बाद में हम अभी आपको और भी तरीका सिखा देंगे, लेकिन जो जुगाड़ वाला काम होता है वो जुगाड़ वाला काम यही है, ठीक, इसे चेक करना है आपको। अब अगर मान लो इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएं, सॉल्व करें न्यूमेरिकल विद डायग्राम, डायग्राम हर चीज़ का, डायग्राम से पहले काम करते हैं, इस फार्मूले को सही कर लेते हैं। एक बटा एफ इज इक्वल टू एक बटा वी प्लस एक बटा यू, हमको वी निकालना होगा, इसको इधर लाओ, तो वन बाई एफ वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई वी एल सी एम, तो एल सी एम बन गया एफ यू, यू इधर एफ इधर, उल्टा करिए तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया एफ यू अपान यू माइनस एफ। ये फार्मूला केवल आपको जल्दी में चलाना है बस, ठीक। अब अगर मान लो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए क्या बना v इज इक्वल टू एफ यू अपान यू माइनस एफ, पहला न्यूमेरिकल सही समझना, क्योंकि इमेज के बारे में अभी बात नहीं की, इमेज जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे तब तक नहीं क्लियर होगा। एक मिरर है, ठीक, अब इस मिरर की फोकल लेंथ जो है हमने कहा 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर 30 सेंटीमीटर पे, अब बोलो इमेज कहाँ बनी, तो इमेज कहाँ बनी कैसी बनी, तो उसके लिए देखिए जो भी रे होगी वो ऐसे पड़ेगी इस पर। अब अगर किरण इधर से उधर जा रही, देखो किरण इधर गई तो इधर की जो भी वैल्यू होंगी वो प्लस में, तो इधर तो यू कैसा हो गया, तो यू इधर कहाँ, यू तो उधर है, ऑब्जेक्ट किधर है उधर, इधर वाली वैल्यू प्लस में तो उसके उधर वाली सब माइनस में, तो ऑब्जेक्ट किधर उधर, तो यू इक्वल टू माइनस 30, एफ किधर तो कॉनकेव स्पेयर इधर बनेगा, तो जब गोला उधर बना तो उधर ही बना फोकल लेंथ, क्योंकि कर्वेचर इधर होगा फोकस इधर होगा तो कैसा बना उधर, तो एफ इज इक्वल टू माइनस 20। वी कितना आया, तो वी इज इक्वल टू क्या बना था एफ यू अपान यू माइनस एफ, एफ की वैल्यू माइनस 20, यू की वैल्यू माइनस 30, यू की वैल्यू माइनस 30 है ये प्लस 20, सॉल्व करा तो 20 इंटू 30 अपॉन माइनस 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ तो कितने बने 3 × 6 = 60 सेंटीमीटर, कैसा माइनस के साथ। माइनस का मतलब रे जिधर जा रही उधर इमेज नहीं बनी, उसके अपोजिट में बनी, कितने पर 60 पर, तो ये 30 तो 60 आगे कहीं, तो ये ऐसे इधर भी रे गिरा, ये ऐसे इमेज कहाँ बनी, तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये इमेज यहाँ पर इमेज बनी, ठीक। इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पे, तो ये बनी 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में चेक करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे अगर मान लो ऐसे मिरर रखा है, ठीक, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां पर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, बताओ इमेज कहाँ बनी, तो केवल वही फार्मूला, रे गिराओ सीधे, किरण गिराइए, ऐसे पड़ी किरण, अब किरण इधर से उधर जा रही, तो इधर अगर जाएगी तो प्लस में उधर, बाकी इधर वाली वैल्यू सब माइनस में, तो यू कैसा बना, तो यू इज इक्वल टू माइनस का
10 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, तो वी इज इक्वल टू एफ यू अपान यू माइनस एफ, एफ की वैल्यू माइनस 20, यू की वैल्यू माइनस 10, यू की वैल्यू माइनस 10, एफ की वैल्यू माइनस 20, सॉल्व किया तो 20 इंटू 10 अपॉन प्लस का 10, ये कैंसिल है तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर किस में? प्लस में, प्लस का मतलब ये 10, प्लस का मतलब ये उधर गई, तो इमेज किधर बनी? उधर ही बनी, फिर उधर वाली वैल्यू सब प्लस में, तो 20 का मतलब इमेज कहाँ बनी? तो ऐसे बनी, इधर से भी गिराइए इसे, ये इमेज बनी ऐसे, बट इधर क्या हुआ, इधर ऐसे जाती हुई लगी रे, ठीक, ये इमेज बनी कितने पर? 20 सेंटीमीटर। तो पहला केस जो था, दोनों में हमने क्या लिया था, दोनों में अवतल दर्पण लिया था। इसमें अगर ध्यान से देखो, दोनों में आंसर आ गया, तो एक में कैसा आया प्लस में, एक में कैसा आया माइनस का, माइनस का 60 आया था, इसमें कितना आया प्लस का 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। दोनों से हमको पता क्या चला कि यहाँ पर देखो, दर्पण के जिधर वस्तु थी उधर ही इमेज बनी। अब जिधर अगर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वो इमेज कहलाती है रियल। कैसी कहलाएगी? रियल इमेज, क्योंकि उस क्योंकि उसके सामने है, उसको सही लाइन से आपको दिखाओगे। तो अगर कहीं पर किरणें दर्पण से टकराने के बाद, किसी बिंदु वस्तु से जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, दर्पण से टकराने के बाद इधर इस पॉइंट पर आती हुई प्रतीत होती हैं, हो रही हैं। अब जब यहाँ प्रतीत हो रही, इसका मतलब क्या है कि ये प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। ये कैसा कहलाया? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनी, ठीक। तो अगर किसी बिंदु पर किरणें प्रतीत हो रही मिलती हुई, तो वो क्या कहलाएगा? उसका आभासी प्रतिबिंब। और अगर किसी वस्तु में दर्पण से टकराने के बाद किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई वास्तव में प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। तो ये इमेज कैसी बनी? रियल। और ये कैसी बन गई? वर्चुअल इमेज बनी। अभी केवल हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, बस पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के प्रतिबिंब बना रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट को हम खड़ी करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट की भी लेंथ होगी, ठीक। वो तो बाद की बात है, डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ होती है, ठीक। ये हुई कंडीशन। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट में अब इसको आप लोग चेक करेंगे। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर? 40 सेंटीमीटर, चलो 40 सेंटीमीटर पर इमेज बनाइए, इसके रे डायग्राम भी खींचना है, ठीक। नेक्स्ट में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसका बनाइए आप लोग, तो दो क्वेश्चन दिए हमने, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक। इन सब में आपको इमेज बनानी है, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक। इधर बनेगी तो इधर बनाइए, अगर उधर बनी तो उधर बनाइए, इनको ट्राई करना है, ठीक। अब एक कंडीशन और चेक करते हैं, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक्स में, बुक्स की बात नहीं करते, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद में याद दिलाते हैं। जैसे अगर मान लो प्लेन मिरर में जो स्थितियां पढ़ी थी आपने, समतल दर्पण में, जैसे कहा हमने कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखी कितने पर? 10 सेंटीमीटर पे। तो जो भी किरण चली ऐसे पड़ी, तो इमेज कहाँ बनाई? यहाँ पर। कितने पर? 10 सेंटीमीटर। सब पॉइंट सोर्स की बात हो रही। दूसरी स्थिति हमने पढ़ी थी, मान लो दर्पण भी है, ऐसे भी दर्पण है, तो भी यहाँ से ऐसे चली और ऐसे पड़िया करके ऐसे। अगर मान लो इसी दर्पण पर ऐसे किरणें पड़े,
इस तरीके से, तब क्या होगा? एक स्पेशल केस इसका है, उसको आपको सीखना है। ठीक, पहले इसको देखिए, उसके बाद हम समझाते हैं क्या चीज़ है ये। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रखी, ऑब्जेक्ट ही नज़र ना आ रही हो, तब क्या होगा? तो उस केस में होता क्या है, जैसे अगर मान लो कि हमने कहा कि एक कॉनकेव मिरर ऐसे है, ठीक, अब इसमें फोकल लेंथ मान लो इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक, किरणें इस पर ऐसे गिरी, इस तरीके से किरणें गिरी, तो पहली बात तो याद रखना है कि किसी भी दर्पण पे जब किरणें गिरती हैं तो हमेशा किरणें क्या दर्शाती हैं, वस्तु को दर्शाती हैं, ऑब्जेक्ट को दर्शाती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ इसका है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर, कितने पर, 10 सेंटीमीटर मान लो, 20 पर मान लेते हैं चलो, या 10 ही मान लो, 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी है, इमेज कहाँ बनी, तो किरणें जब ऐसे पड़ी तो इधर की वैल्यू कैसे हो गई, प्लस की, ऐसी वैल्यू किधर होगी, प्लस की, तो U इज इक्वल टू हो गया +10, F इज इक्वल टू कितना हो गया -10, V कितना आया, तो 1/F, ये डायरेक्ट लगाइए, V इज इक्वल टू FU/U-F, F की वैल्यू -10, U की वैल्यू +10, U की वैल्यू +10 और ये माइनस माइनस +10 कितने आए, तो बने जा करके 100/20, हटाइए 20 × 25 = 5 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनी, 5 पर, कैसे मतलब, ये इमेज बन गई, ऐसे टकराने के बाद वहाँ प्रतिबिंब बना इसका, कितनी दूरी पर, तो ये 10 है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बट अंतर यहाँ पर क्या देखने को मिला, पिछले जो क्वेश्चन थे, जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें क्या किया था कि फोकल लेंथ ली थी 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट सामने रखा था 30 सेंटीमीटर पर, तो इसकी जो भी इमेज बनी थी वो यहाँ सामने बनी थी, कितने पर, 60 पर, कितना बनी थी, 60 पर बन के आई थी। तो इस केस में देखिए हुआ क्या, ये कौन सा स्पेशल केस था, तो पहले वाले जो पिछले जो हमने जो सवाल आपको कराए थे, जैसे दो सवाल हमने बताए, दो सवाल आपको लगाने के दिए, उसमें क्या हो रहा था कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा था, अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन में इमेज बनी थी रियल, जो प्रतिबिंब बना था वो कैसा बना था, रियल, और अगला जो न्यूमेरिकल बना था उसमें देखो इमेज इधर बन गई थी, ऐसा जो क्वेश्चन लिया था अगला, उसमें भी क्या था, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा था तो उसको वो भी कैसा बना था, रियल ऑब्जेक्ट बना था, लेकिन उसकी इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल बनी थी, आभासी प्रतिबिंब बना था। इस केस में देखो हुआ क्या कि किरणें ऐसे गिरी, तो ऐसे गिरी तो ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, आभासी बन गया, दर्पण के पीछे ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले चार सवाल जो हुए, चारों सवाल में क्या हुआ था, वस्तु जो थी कैसी थी, वास्तविक थी, प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बन रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा केस हुआ कि वस्तु हो गई आभासी और प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे है, वर्चुअल है, कैसे ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है, इमेज कैसी बनी, रियल, इमेज कैसी बन गई, रियल बन गई। तो क्या हमको देख यहाँ पर क्या चीज़ समझ में, और ऐसे भी और क्वेश्चन हो सकते हैं, हमको समझ में क्या चीज़ आई कि अगर मिरर के सामने कोई वस्तु रखी नज़र आ रही हो, उसके दो केस बनते हैं, कहने का मतलब अगर सामने है मतलब रियल वस्तु है, वास्तविक वस्तु है,
वस्तु अगर वास्तविक है उसकी दो स्थितियां हैं, या तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। इसमें क्या हुआ, कहने का मतलब ये रहा, और अच्छा देखते हैं, चाहे प्लेन कोई भी ले लो, मान लो प्लेन मिरर ही है, अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका हमेशा प्रतिबिंब प्लेन मिरर में कैसा बनता है, वर्चुअल। इमेज कैसी बनी, आभासी। ऑब्जेक्ट कैसी है, रियल। रियल ऑब्जेक्ट तो ये बना, प्लेन मिरर की बात है। अगर मान लो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये कॉनकेव हो गया कॉन्वेक्स हो, तो इनमें अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इनमें भी ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो उसका प्रतिबिंब वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता। इसका प्रतिबिंब वर्चुअल भी हो सकता, रियल भी हो, आभासी और वास्तविक दोनों हो सकते हैं। प्लेन में कैसा बना, हमेशा आभासी, लेकिन रियल हो सकता है। अगर सामने कोई मिरर रख दिया जाए इसके, तो ये ऑब्जेक्ट, इस ये जो पहले की इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, इसका इमेज अलग बनने लगेगी जो इसके लिए रियल होगी। ठीक, तो जो प्लेन मिरर हैं, जैसे प्लेन मिरर है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसी को समझाना चाह रहे थे आपको। प्लेन मिरर हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्या कभी वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है, तो बना सकता है। क्या केस हैं, या तो इसके सामने एक दूसरा दर्पण रखा जाए प्लेन मिरर, तो पहली वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा लेकिन दूसरे दर्पण के लिए ये प्रतिबिंब वस्तु कहलाएगा, और जो इसका प्रतिबिंब अब बनेगा वो पहले के लिए क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर इसी प्लेन मिरर पर वस्तु ना नजर आ रही हो, ऐसे रे गिर रही हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, कैसी बनी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनी। तो इमेज कहाँ बनी, तो इमेज ऐसे बन गई रियल। इमेज कैसी बनी, वास्तविक बन गई। ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन था उसमें एनसीईआरटी बुक्स में, आपके यही क्वेश्चन था कि प्लेन मिरर हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते, क्या कभी वो वास्तविक बना सकते हैं, तो वास्तविक बना सकते हैं। कैसे, ऐसे अगर किरणें गिरें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर, मतलब वर्चुअल हो गई आभासी। इमेज कहाँ बनी, रियल बन गई। या क्या कर दें, इस प्लेन मिरर के सामने एक दूसरा प्लेन मिरर रख दें, तो जो वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब पहले द्वारा आभासी बनेगा, लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु बनेगा, जिसका प्रतिबिंब जो बन के आएगा वो पहले वस्तु दर्पण के लिए आभासी वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक वही स्थिति यहाँ पर, क्या चीज़ थी, अभी हमने देखा कि जो ये मिरर होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वस्तु ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो उसका रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना रहे थे। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल रियल दोनों इमेज बनेंगी, वर्चुअल और रियल अगर है, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल और रियल दोनों बन सकती हैं, लेकिन क्या कर दिया जाए, ठीक, क्या कभी ये भी किसी वस्तु का रियल इमेज बना सकते हैं, तो बना सकते थे, ये को भी था, लेकिन एक स्पेशल केस सामने आपके आ गया, देखिए ऐसे भी, ऐसे केस तो हो ही सकते हैं। इसके सामने मिरर रख दो तो रियल बन जाएगा, इसी में हम चेंज कर दें तो भी बन जाएगा, अगर एक ही मिरर से अगर जस्ट प्राप्त कर लेना हो तो इसमें भी देखो एक ही मिरर में बनने वाली स्थिति आ गई। तो अगर कोई बिंदु वस्तु नहीं रखी हो मुख्य अक्ष पर, तब जब किरणें आती हैं तो ऑब्जेक्ट कहलाती है वर्चुअल, तो उसका इमेज जो बनते हो क्या कहलाते हैं, रियल इमेज बन जाती है। ठीक, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनने लगता है। तो अब दर्पण और मतलब प्लेन मिरर या कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होती है रियल ऑब्जेक्ट होती है, उसकी रियल इमेज भी बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये स्थिति थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे। ठीक, मैग्नीफिकेशन पावर पढ़ेंगे इसकी, जिसको बोलते हैं लेखी आवर्धन क्षमता। ठीक, तो इन सब चीज़ों को, बहुत बड़ा चैप्टर है, एक एक स्टेप समझते जाए, जो न्यूमेरिकल दिए थे उनको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। और भी इसका बन सकता है बेटा, क्या जैसे ऑब्जेक्ट कैसी थी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल थी, इमेज रियल बनी,
वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। तो रे डायग्राम हर बस हर न्यूमेरिकल का बनता है, ठीक, उसको बनाना मत बोलिए। आगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट और देंगे, तो इनको अच्छे से आप बनाते रहे, नोट्स बनाइए और बुक्स में जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए, ना लगे तो आप लोग पूछिए, ठीक, चाहे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर इस बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं लगा, तो हमें कहीं मिलेगी तो हम ज़रूर बताएंगे। हालांकि प्रॉब्लम है यहाँ पर, नहीं कुछ इशू हो सकता, बुक्स वगैरह नहीं मिल सकती, तो भी आप लोग कमेंट करिए, फिलहाल बताइए, लेकिन हाँ नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक, ओके।